तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ पता चली चुकी होगी कि यहाँ पे पहले आप लोग अपने आधार कार्ड को और अपने पैन कार्ड को फ्री में एक दूसरे से लिंक करवा सकते हैं। यानी मेनली आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि ये जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे एक जगह वेरीफाई हो सके और एक जगह एनालाइज भी हो सके। इसके बाद यहाँ पे पहले तो ये चीज़ मतलब कह सकते हो कि अभी से 2-3-4 साल पहले जो है ये चीज़ फ्री थी। इसके बाद जो है अभी कुछ टाइम पहले यानी कि 2-3 महीने पहले जो है यहाँ पे आपको ये न्यूज़ ज़रूर मिली होगी कि यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी हो चुका है। मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी, कि उन लोगों को सिंपली तरीके से जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको एक नॉमिनल अमाउंट 1000 रुपीज़ तक पे करना पड़ेगा। पहले ये सबके लिए था जिनका अपना पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये जो न्यूज़ है बहुत शॉर्ट टर्म में लोगों के पास पहुंची, और जब तक पहुंची हो तब तक वो जो डेडलाइन है वो निकल चुकी थी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने ये साफ लिखा हुआ था कि जिन्होंने इस जो डेडलाइन डेट है इससे पहले अगर लिंक कर लिया तो 1000 रुपीज़ ही उनका जो है पे करना पड़ेगा अमाउंट, वरना उसके पास उनको पेनल्टी फी देनी पड़ेगी। अब एक और चीज़ आई है सामने कि पहले तो पेनल्टी फी नहीं थी, अब तो खैर आ चुकी है और मिनिमल अमाउंट वो भी ऐड है। लेकिन अब जो है हो सकता है कि अब 30 जून यानी कि 30 जून 2023 तक में जो है आपका जो ये लास्ट डेट है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का, ये सबसे लास्ट है। इसके बाद क्या होगा कि 1 जुलाई 2023 से आपका ये जो पैन कार्ड है वो एक तरीके से इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। और कह सकते हो कि इसका आपके बैंकिंग सर्विसेज पे भी प्रभाव पड़ सकता है, और इससे आने वाले टाइम पे जो भी आप अगर नया बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें आपको दिक्कतें वगैरह जो है फेस करने को मिल सकता है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी था कि किन किन लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है और किन किन को नहीं, जिनके अंदर बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के लोग भी आए, कुछ स्टेट्स जो भी थे उन स्टेट्स की भी बात हुई थी, कुछ जो यहाँ पे जो लोग ओल्ड एज के थे उनके लिए भी था। तो मतलब बेसिकली कुछ यहाँ पे कह सकते हो छूट भी था, लेकिन जो लोग एक तरीके से यहाँ पे जिनका नाम आया है उनको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। और नाम आया का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको चेकआउट करना है पहले कि आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना पड़ेगा या नहीं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत यही आ रही है कि वो अपने जांच ही नहीं पा रहे कि वो अपने आधार कार्ड को कैसे पैन कार्ड से लिंक करेंगे। वो तो प्रोसेस खैर है, लेकिन उन्होंने अभी तक जांचा ही नहीं है या उन्होंने अभी तक चेक ही नहीं किया कि उनको भी ज़रूरी है कि नहीं है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये देख सकते हो लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन, और जैसे आप लोग इस पर करते हो क्लिक, तो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से जांच सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका पैन कार्ड जो है, जो आपका पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। इस चीज़ को जांचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि जब डेट जो है, जो ये लास्ट डेट है, अगर ये खत्म हो जाती है तो इसके बाद आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे पहले जिन लोगों को पता नहीं है कि उनको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना इंपॉर्टेंट है, तो वो लिंक कर सकते हैं सबसे पहले। दूसरी बात ये भी है कि उनको बैंकिंग सिस्टम में कोई रुकावट ना देखने को मिले, इसीलिए पैन कार्ड को लिंक करना भी इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड से। और सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होगी जो कि ये डेट निकल जाने के बाद और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या फिर जिन लोगों ने अपनी मर्जी से सोचा होगा कि ये सब चीज़ कोई मतलब नहीं रखता है, तो वो अगर आगे चल के डेट खत्म हो जाने के बाद अगर आपने कोशिश करेंगे अपने एक सेविंग्स अकाउंट या फिर किसी भी अकाउंट को ओपन करवाने का बैंक में, तो दिक्कत उन्हें हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे आपको चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, लोन पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और साथ ही में जो है यहाँ पे अब आपको हम जो दो प्रोसेस और दो स्टेप्स बताएंगे, उन दोनों प्रोसेस और स्टेप्स के माध्यम से आप लोग सिंपली तरीके से जान सकते हो और लिंक कैसे करना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे उस पर वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही होगी, और जैसे ही आप लोग उस पर करते हो क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे ऐसी वेबसाइट पर जिसका नाम है loanpao.in की ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगी। यहां पहुंचने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, मोबाइल स्क्रीन वालों के लिए भी सेम बात है, जो भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनको करना क्या होगा कि उनको जो है सिंपली लेफ्ट साइड में 3 बार्स का मेन्यू बार देखने को मिल रहा होगा, वहां पर उनको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च के ऑप्शन में जाकर उनको सिंपली एक जो है कीवर्ड को सर्च करना है, कीवर्ड का नाम है पैन कार्ड। इस कीवर्ड को जैसे आप डालोगे तो आपके सामने जो है आर्टिकल आ जाएगा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग से रिलेटेड, कि पैन कार्ड लिंकिंग विद आधार कार्ड, क्योंकि ये टॉप पे चल रहा है इसलिए टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरा है चेक स्टेटस आधार कार्ड लिंक विद पैन कार्ड, तो यानी कि दोनों ही चीजें हो जाएंगी एक ही आर्टिकल के अंदर, आपको ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे जानकारी भी जांचने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और दूसरा ये भी है कि लिंक भी कर पाओगे। तो सिंपली ये जो है इस वाले फर्स्ट आर्टिकल पे क्लिक करना है आप लोगों ने, और यहाँ पे जाकर सबसे पहले जानकारी भी पढ़ सकते हो और क्यों लिंक करवाना है, क्या लिंक करवाना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। दूसरी बात, इसका हिंदी में भी ट्रांसलेट करके और जितने लैंग्वेजेस में चाहो ट्रांसलेट करके समझ और पढ़ सकते हो, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर आपको जो है एक अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी, ये देख सकते हो जो कि मैंने अंडरलाइन कर दी है। तो ये अप्लाई नाउ की लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक लिंक है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे इनकम टैक्स .gov.in के ऑफिशियल वेब पेज पे। तो इस पर सिंपली करना है आप लोगों ने क्लिक करने के साथ सीधा पहुंच जाओगे आप लोग इस वेब पेज पे जो कि ई फिलिंग का ऑफिशियल वेब पेज है। तो ये तो पहला स्टेप हुआ, ठीक है, ये आप तरीका है जो आसान करके बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। वरना दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी गूगल के ब्राउजर पे या फिर क्रोम ब्राउजर पे जाना है और वहां पे सर्च करना है income tax.gov.in, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ,
ये आपने डाला इनकम टैक्स, इसके बाद डालना है डॉट जी ओ वी और डॉट इन, ठीक है। इस कीवर्ड को डाल के आपको सिंपली सर्च करना है। अगर जिन लोगों को ये कीवर्ड नहीं देखने को मिल रहा है तो मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को ध्यान से देख लो। ये कीवर्ड को जैसे आप डालोगे तो आपको टॉप पे जो है यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी जो कि इनकम टैक्स वालों की है, होम का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, इस पर क्लिक करना है और आप लोग के सामने सीधा जो है वेब पेज आ जाएगा। अब जांचना कैसे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है उसके लिए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दो तीन ऑप्शन जो है इनमें से ई वेरीफाई रिटर्न को अभी फिलहाल आप छोड़ दो। लिंक आधार स्टेटस पर जाकर सबसे पहले आप जांच सकते हो कि आपका आधार कार्ड जो आपने पहले पेमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ या नहीं। तो लिंक आधार स्टेटस पर जाना है, यहाँ पे दोनों ही लोगों को जांचना है। यहाँ पे जिन लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं है, उनको पता है नहीं कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, तो उनको भी यहाँ पे एनालाइज यानी जांच सकते हो। और दूसरा ये भी है कि जिन लोगों ने अपना पहले एक दो तीन महीने जो फेज आया था जिसमें उन्होंने 1000 रुपीज़ तक का नॉमिनल अमाउंट भी पे किया था, तो वो भी जांच सकते हैं कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे पेन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं उनका पहले बता दे रहा हूँ जिन्होंने अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिटेल्स को भर लेता हूँ ताकि डिटेल्स आपको समझा दूँ। तो ये एक डिटेल है जो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि है पी यहाँ पे पहले बता देता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पे जो भी आपको जो नंबर्स भर रहा हूँ या फिर जो भी मैं यहाँ पे इनपुट डाल रहा हूँ वो ब्लर रहेगा जस्ट बिकॉज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रीज़न होते हैं, इसलिए तो मैं इसको अब इसको भर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल लिया है पी ए, ये हमने डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिया है और ये हमारा पैन कार्ड वाला डिटेल हो चुका है फिल। दूसरा आधार नंबर वाले ऑप्शन में जाना है हमें, तो आधार नंबर वाले ऑप्शन पे हमें जाके यहाँ पे अपना ये जो आधार नंबर है वो डाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये हमने ये भी फिल कर लिया है, ठीक है। तो व्यू लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ देख सकते हो कि लिखा हुआ है योर पैन कार्ड, जो भी मैंने नंबर डाला है वो ऑलरेडी लिंक है जो गिवन आधार नंबर जो मैंने दिया है, ठीक है। ये तो हो गया उन लोगों का जिन लोगों ने एक टाइम पे आके जो दो तीन महीने पहले जो 1000 का नॉमिनल अमाउंट पे करके इस चीज़ को फिलअप किया था। अब दूसरा बता रहा हूँ वो जो यहाँ पे जिन लोगों ने पे आउट नहीं किया और जिनको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा जाता हूँ बैक साइड में और यहाँ पे डिटेल्स को मैं फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले एक बार जो है इस होम पे जाते हैं और दोबारा से इससे आते हैं, क्योंकि कई बार जो है यहाँ पे हो सकता है कि सेम हमारे सामने पॉपअप ऑप्शन आ सकता है, तो हमें अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे जाके हम डिटेल्स को भरते हैं और क्योंकि ये डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहेगी, आपको पता है इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये हो गया है पैन डिटेल्स और अब जानना है मुझे आधार डिटेल। ठीक है, अब यू व्यू लिंक आधार स्टेटस पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैन नॉट लिंक विद आधार कार्ड, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू बी लिंक विद योर आधार विद पैन। तो इस पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और इसमें सिंपली आपको वही डिटेल्स डालना है जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और सिंपली इसके बाद क्या आपको रिजल्ट आएगा वो मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको ई पे करना होगा, यानी ऑनलाइन आप लोग जो है पेमेंट करके कर सकते हो, लेकिन अब आपको पेनल्टी फीस भी देनी पड़ सकती है जो कि यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पढ़ सकते हो। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से दबा के शेयर करो, क्योंकि 30 जून हमारे करीब है, 30 जून के बाद इन लोगों के पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे या फिर इनएक्टिव हो जाएंगे, तो उनको आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है। तो ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि लोन पाओ के इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया होगा, बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा और वीडियो समझ में आई तो डेफिनेटली एक लाइक और बनता है और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।